और अब आपका 2 डेज का हॉलीडेज है, तो आपको ये लर्न करना है, चैप्टर्स रीड करना है, ठीक है? आई मैम बंद बंद भी करना है। बच्चा 2 और 3 बोल रही हूँ ना मैं, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये 2 यूनिट आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट में आएगा, ठीक है? तो आपकी 2 डेज की अभी हॉलीडेज है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ नहीं समझ आता है तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछोगे, ठीक है? ओके, अभी हम लोग है ना यूनिट 2 करें, एक बार रिवाइज करें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। नोजेज वाली पोइम निकालो। हाँ, अब रीड करोगे एक एक जना। यस नव्या, स्टार्ट करो, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना और सबका ध्यान रखना होना चाहिए। आई लुक इन द मिरर एंड लुक इट माय नोज एट माय इट एज द फनी थिंग फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्राउंड द वे इट ग्रोज। बच्चा ग्राउज नहीं है, ग्रो है, ग्रोज ग्रोज इट राइट टक राइट Stuck right out the all fair it's so with 2 little hole he the bear the thing goes. Okay, next Bhumika read karo second paragraph. I looked in the mirror and say in there and the end of my chin and the start my of my hair a between there is the much space to spar with my nose like spare with my nose like a handle sticking there. ओके नेक्स्ट सिद्धि, थर्ड वाला रीड करो सिद्धि। यस मैम। थर्ड पैराग्राफ रीड करो बच्चा। ईट एवरीथिंग यू वांट इफ एवर यू वांट। अच्छे से पढ़ो। ईट एवर इफ इफ एवर यू If ever you want to giggle, to giggle and shout and can the think of what to the light. Aloud क्या हुआ सिद्धि? आप म्यूट करो अपने आप को। यस गीतांश, आप रीड करो ये वापस। मैम फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? जो बच्चा ये सिद्धि पढ़ रही थी ना वो वाला। If ever you want to giggles and shout and cannot think of what to do it about, just look in the mirror and then doubt. You will see how funny. ये remove कैसे हो गया गीतांश?
यस गीतांश वापस रीड करो. You want to giggle and shout and cannot think of want to do it about just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose. ओके नेक्स्ट हर्षिता आप रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ वापस. आई लुक इन द मिरर एंड लुक एट मोज इट्स द नीड्स मैम आवाज ही नहीं आ रही. हर्षिता माइक अनम्यूट करो. हर्षिता म्यूट है आपका माइक. वापस करो अभी. I look in the mirror and look at my nose. It's the in the why it grows yes read karo it's the funniest thing it's the yes क्या हुआ बच्चा हर्षिता क्या हुआ. मैं वापस रीड करूं. हाँ करो. बीच में रुकना नहीं है आपको ठीक है रीड करो जब पैराग्राफ रीड. एंड लुक इट माय नोज इट्स द Didn't funniest the, thing. Why it goes funniest thing the why it goes stuck right. Why all of it shows it's with two little holes the where the breathing goes. ओके ये स्टोरी ये पोइम है ये किसके बारे में है नोज के बारे में. सबके पास नोज होता है ना. कितने नोज होते हैं आपके आपके पास कितने नोज है. सिद्धि के पास तो टू है ना सिद्धि. यस सबके पास वन नोज होता है. यस इसके अंदर हम एक पोइम दे रखी है नोज के बारे में कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है वो मिरर में देख रही होती है तो वो अपने नोज के बारे में सोचती है तो उसको लगता है कि उसका नोज है वो बहुत फनी है कि वो किस तरीके से ग्रो किया हुआ है कैसे वो चिपका हुआ है कैसे उसके टू होल्स है जहां से हम लोग ब्रेथ ले सकते हैं तो वो सोचती है मेरा नोज तो कितना फनी है ठीक है जस्ट मेरे चिन के जस्ट ऊपर है ठीक है और आईज के नीचे है ठीक है और ज्यादा स्पेस भी नहीं है मेरे आईज के और नोज के नीचे ठीक है
इसमें बोला ऐसा लगता है जब हम अपने नोज को पकड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक तरीके का हैंडल है, ठीक है। इसमें बोला है कि जब भी आपको हंसना हो तो आप क्या करोगी, मिरर के सामने जस्ट खड़े हो जाना और कुछ भी मत सोचना, बस अपने नोज को देखना, अपने आप ही आपको क्या आ जाएगी, हंसी आ जाएगी। तो ये आपकी छोटी सी पोइम थी नोज के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। यस, उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर देखा था नसरुद्दीन लिटिल फिर ट्री। किसी को याद है क्या लिटिल फिर ट्री में क्या हुआ था? किसको? रेज योर हैंड, किसको याद है चैप्टर? किसको बहुत अच्छे से आता? यस गीतांश, एक्सप्लेन करोगे आप? हम लोगों ने क्या पढ़ा था लिटिल फिर ट्री के अंदर? व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर? यस स्टार्ट करो। व्हाट इज द मैजिशियन रिटर्निंग होम? बच्चा हिंदी में एक्सप्लेन करना है आपको, रीड नहीं करनी, आपको एक्सप्लेन करना है आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, ठीक है। रीडिंग नहीं करनी है चैप्टर की। बच्चा सबकी टर्न आएगी। गीतांश जल्दी से मेरे को शॉर्ट में बताओ कि इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। छठी नाम का एक मैजिशियन अपने घर वापस जा रहा था तभी बहुत जोर से बारिश आई। यस वो खुद के लिए एक छत ढूंढने लगा तभी उसको एक लिटिल फिर ट्री दिखा और फिर वो उसके नीचे गया। तब तक बारिश रुक गई। Yes, आगे क्योंकि वो हैप्पी हो गया क्योंकि वो भीगा नहीं। फिर उसको उसने लिटिल फिर ट्री को थैंक यू कहा। उसने बोला कि है ना कि मैं तुम्हारी चार इच्छा पूरी कर सकती हूँ। Yes, आगे। अच्छा भूमिका आप बताओ कौन कौन सी फोर विशेष पूरी की थी? मैम उसको है ना उसको गोल्डन बना दिया और फिर है ना चोर उसको चुरा के ले गए। अच्छे से बताओ मेरे को नवी, आप बताओ क्या फोर विशेष थी? सबसे पहले कौन सी विश? पहली थी मुझे ना हरा भरा मना दो, सेकंड थी मुझे गोल्ड की लीफ मना दो और थर्ड थी कांच की। फिर फोर्थ उसने कहा कि मुझे पहले जैसा फिर से मना दो। अच्छा और सिद्धि आप बताओ क्या देखा था आप लोगों ने? सिद्धि आर यू हियर? बच्चा बताओ जल्दी से क्या पढ़ा था हम लोगों ने इस चैप्टर में? यस हर्षिता बताया। क्या बोल रही हूँ मैम? मैंने सही नहीं बताया। बताया बट आपने अच्छे से नहीं बताया। यस हर्षिता आप बताओ। यस क्विकली बताओ। नव्या बच्चा आप अपने फोन को एक जगह रख दो, ऐसे रोटेट नहीं करना है फोन को। यस हर्षिता वॉइस नहीं आ रही है। हर्षिता यू आर नॉट ऑडिबल। बच्चा आपके नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो मैं ही एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक ट्री के बारे में हम लोगों ने इसकी स्टोरी पढ़ी थी।
एक मैजिशियन था जिसका नाम था शेट्टी, ठीक है। वो घर जा रहा था तभी रास्ते में बारिश आ गई बहुत तेज, तो वो भीग रहा था, तब उसने एक शेल्टर ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ पे, एक छत ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ जहाँ पे मैं भीगू नहीं। तभी उसको पास में एक क्या दिखता है, लिटिल फिर ट्री, वो उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है बारिश रुक जाती है, तब वो क्या करता है, लिटिल फिर ट्री को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं आज गीला नहीं हुआ, भीगा नहीं हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं आपकी कोई भी 4 विश पूरी कर सकता हूँ आप चाहो तो। तो लिटिल फिर ट्री बोलता है कि जो मेरी लीव्स है वो बहुत नीडल्स की तरह है, मतलब बहुत चुभी चुभी है, मैं हरा भरा नहीं हूँ, जिसकी वजह से कोई भी बर्ड्स मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे पे हंसते हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास तो बहुत हरी भरी लीव्स है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग तब उसने बोला कि मेरी भी अच्छी अच्छी लीव्स होनी चाहिए, तो वो बोलता है आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, मतलब मेरे सोने की लीव्स होती। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तब वो देखता है कि वाह मेरे भी गोल्ड की लीव्स है। बट अगले दिन रात में क्या होता है कि जो एक मैन आके क्या कर देता है, चोरी कर लेता है सारी लीव्स को, ठीक है। तो देन जो लिटिल फिर ट्रीज है वो वापस से क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। देन वापस उसकी सेकंड विश होती है कि काश मेरी जो लीव्स है वो ग्लास की हो जाती, कोई भी नहीं चुराता उसे। देन नेक्स्ट डे वो देखता है कि सारी लीव्स उसकी क्या हो जाती है, गोल्ड की हो जाती है। बट एक दिन स्टॉर्म आ जाता है, मतलब तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से सारी ग्लास वगैरह सारी टूट जाते हैं, बिखर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस सैड हो जाता है। देन वो सोचता है कि काश मेरी लीव्स किसकी तरह हो जाती, पहले जैसी हो जाती, मेरे को नहीं चाहिए कोई भी गोल्ड की लीव्स भी नहीं चाहिए, ग्लास की भी नहीं, इससे अच्छा मेरी जो ओल्ड नीडल जैसी लीव्स थी उसी में मैं खुश था। तब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है उसके पहले जैसी लीव्स हो गई है, तो वो सोचता है कि इससे ज्यादा हैप्पी तो मैं पहले जब मेरे पास यही लीव्स थी तब भी नहीं था मैं ऐसा हैप्पी। तो इस स्टोरी से हमें ये देखने को मिलता है कि हम जैसे है ना वैसे ही अच्छे हैं, हमें कुछ भी और नहीं मांगना चाहिए, हमारे पास जो है हमें उसके लिए गॉड को थैंकफुल करना चाहिए, है ना। समझ आई सबको स्टोरी? यस मैम। ओके, तो ये आपका ये वाला चैप्टर था। ओके, रन वाली पोइम रीड करो जल्दी से भूमिका। मैं करूं? अच्छा, एक एक करके सब करो, भूमिका करो पहले। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन 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 इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीड द ट्री, रन लिटिल ड्रेस विथ ईच लिटिल ब्रीज, रन डाउन द हील्स, रन अप द लेग्स, run together the neighbors, the run black again, run and be merry all today the game, run the country away away away. Very good. Next read karo Gitansh. Dhanush camera on karo apna. Aapki book hai kya, bahar aa rakhe ho Dhanush? आपके पास बुक है बेटा? नो मैम, मैं अभी मेरे गांव हूँ। अवे सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन 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 इन द रेन ड्रॉप्स, रन एट द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल बीज, run down the hillside, run up the lane, run through the window, then run back again, run and be merry all through the day, run to the country away away.
नेक्स्ट रीड करो नविया. मैम कौन सा पैराग्राफ? सारे पढ़ना है. I count एक. क्या पढ़ रहे हो आप? ध्यान कहाँ है आपका? रन वाली पोइम पढ़नी है ना? Yes, Navya. Buy from the city and the sun. Out to the country, run, run, run. Run in the Rain drops. Run, meet the trees. Run, little races with little bridges. Run round the hillside. Run up the lane. Run through the medium, then run back again. Run and beat Mary. All through the day. Run to the country. Ha ha ha. Away. ओके वेरी गुड. अभी ये जो यूनिट टू और यूनिट थ्री है आपको घर पे अच्छे से रीड करने हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और वर्ड मीनिंग्स पढ़नी है. ठीक है, अभी आपका टाइम हो गया है, अब आप लीव करो और घर पे पढ़ाई करनी है सबको. ठीक है, क्या बोल रहे हो बच्चा? फोर मिनट लीव करोगे तब तक हो जाएगा. हम लोगों ने टू यूनिट कंप्लीट कर ली है ना. ओके बाय मैम. बाय बाय मैम. गुड नाइट मैम. बाय बाय. ये है मेरे गांव की हरियाली.